हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे हैं। अभी मैं उठा बस, और शानू बोल रहा है उसको ट्यूशन है। पता नहीं अभी एग्ज़ाम के बीच में क्या ट्यूशन है। हम लोगों को ना जो सर थे हमारे, वो तो 3 महीने पहले ही बंद कर देते थे ट्यूशन। अभी तो ये तो एग्ज़ाम के बीच में ही ट्यूशन जा रहा है। इसका ना अलग ही मामला है, किक के बिना ये स्टार्ट नहीं होता पहली बार। हाँ, इसका पता नहीं क्या है इसका। मेरा एक किक में होता था, ठीक है। देख, ये स्कूटी इतना हिलता है लेकिन हाथ नहीं हिलता, ठीक है। ए, लेफ्ट में ले जा। देखा, मेरा हाथ गिम्बल ही है। हिला क्या? नहीं हिला ना। तो अभी ना शानू के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली घर चला गया था, तो अभी उसने कॉल किया, तो अभी आया हूँ फिर उसको लेने के लिए। और अभी तो मैं वेट ही कर रहा हूँ, वो तो अभी निकला नहीं है। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मुझे कॉल करके धूप में खड़ा करवा के खुद आ रहा है धीरे धीरे। तेरे लिए ना मैं वहाँ पे 2 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा। ज़्यादा नहीं हो गया क्या? 2 घंटा? हाँ, मेरा ख़त्म होने के बाद तुझे कॉल किया, फिर तू आया, फिर मैं निकला। नहीं, मैं तभी वहीं पे था। तो फिर क्यों नहीं कहा कि तू वहीं पे था? क्या बोलता अभी? तू तो समझता भी नहीं, मतलब कुछ भी बोलता रहता है ना। इस धूप में वहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहता। अरे सर को पैसे देना भूल गया। अभी नेक्स्ट कब जाएगा? नेक्स्ट और नहीं जाऊँगा, खत्म है। 11th में तो SST नहीं है ना, इसलिए और नहीं होगा। आज ही लास्ट था। तो ऑनलाइन दे देना सर को। ऑनलाइन दे तो दूंगा, लेकिन भूल कैसे गया? ऐसे देना और ऑनलाइन देने में फर्क होता है। अभी शानू तो आया है, और शानू बोल रहा है ना मम्मी के लिए एक उसने गाना प्रिपेयर किया है, आज मदर्स डे ना। हाँ, तो इसीलिए वो बोल रहा है ये गाना मैं गाऊंगा, मम्मी को सुनाऊंगा। पहले हैप्पी मदर्स डे मम्मी। हैप्पी मदर्स डे। और आप सभी लोगों को भी, जो भी मम्मी आए, हैप्पी मदर्स डे आप सभी लोगों को। तो ये छोटा सा एक गाना है, मैं गाऊंगा मम्मियों के लिए। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊ मां। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊ मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर तुझे सोचूं यही, तू आके थामेगी माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, मेरी माँ। क्या बात है, हैप्पी मदर्स डे। वाह, शाबाश बेटे, जियो जियो बेटे, जियो। अरे क्या कर दिया, याद नहीं था समझा। 12 बजे मतलब सुबह सुबह मैसेज आया मदर्स डे, अरे मैं भूल गया। फिर अभी सुबह सुबह ऐसा है, प्रिपरेशन कर लिया था, मम्मी को पता नहीं था। सुबह तो बजा रहा ना, यही प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, चल अभी नहा ले, फ्रेश हो जा। हाँ
थैंक यू आपको भी। मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया। इतना अच्छा सा पोस्ट डाला फेसबुक पे। और अभी ना लगभग शाम के 4 बज रहे और आप देख ही सकते हैं हालत चेहरे का, इतना ज्यादा गर्मी है ना आज यहाँ पे ना अगरतला पे। अगरतला के बाहर मतलब सिटी से बाहर एक नया रिजॉर्ट खुला है, तो हम सोचे थे कि वहाँ से घूम के आते हैं, रिव्यू आपको देंगे। तो अभी फिलहाल तो उसी के लिए निकल रहा हूँ, जाते हैं। थोड़ा दूर है तो मतलब टाइम लगेगा थोड़ा, मैं और मेरे साथ मेरी एक दोस्त जाएगी। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं ग्रीन हब, जो कि एक रेजॉर्ट है, मतलब रेजॉर्ट कम ये रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन सिटी से बहुत दूर है और पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ। और इधर तो पार्किंग एरिया है, मैं यहाँ पे पार्किंग कर दिया और इधर से मैं अभी जाऊँगा अंदर। ये है उनका गेट, इधर आप देखिए, और यहाँ पे बैठने की जगह है, वो लोग कॉटेजेस बोल रहे हैं, मतलब खाने का कॉटेज है ये। और अभी अंदर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरा क्या क्या है, और यहाँ पे बर्ड्स की साउंड सब कुछ बहुत ही स्वीट है। तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, तो यहाँ पे आया हूँ। ये उनका रेस्टोरेंट है, मतलब ये भी यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं, सभी जगह पे बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगा। और ये तो स्पेस बहुत ही खूबसूरत है, ये बाहर से दिखाता हूँ। ये है वो रेस्टोरेंट, आप बाहर से देख सकते हैं, और सामने तो पूरा ओपन एरिया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे कॉटेजेस हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग बैठेंगे और खाना खाएंगे। वहाँ पे रेस्टोरेंट में नहीं बैठे हम लोग, यहाँ पे बैठेंगे और देखते हैं मेनू में क्या है इनका। मेरा थोड़ा ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया था, अभी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, अभी देखते हैं मेनू। तो हमने तो खाना ऑर्डर कर दिया, और इधर देखो टी गार्डन है पूरा, इधर चारों तरफ टी गार्डन है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। सीरियसली आप लोगों को एक बार विज़िट करना चाहिए। और मैं तो अभी मतलब ऑर्डर दिया खाना, तो अभी आने देते हैं खाना, उसके बाद आपसे थोड़ा शेयर करेंगे रिव्यू वगैरह। और आप लोग ज़रूर आना, बहुत ही पीस है, बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और रिफ्रेशिंग है बहुत। तो फाइनली आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, और ये है कॉटेज, पीछे और भी कॉटेजेस है, मतलब फूड कॉटेज वो लोग बोल रहे हैं। तो बहुत ही पीस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, अभी वेट कर रहे हैं खाने का। तो अभी हमारा बिरयानी आ गया है, और देखो मतलब कितना ज़्यादा खूबसूरत है। चारकोल बिरयानी है, चिकन बिरयानी लिखा हुआ था लेकिन नीचे चारकोल दिया हुआ है, देखो एकदम गरम गरम। और यहाँ पे देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, अरे कलर क्यों चेंज हो गया, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। अभी टेस्ट करके बताएंगे आपको रिव्यू। अभी बिरयानी ट्राई करते हैं, आ गया है बिरयानी, और मैं बस थोड़ा सा खा के आपको टेस्ट करके बताऊंगा। तो ये है चारकोल बिरयानी, और साथ में है चिकन कोशा, और अभी बस टेस्ट करते हैं। सब कुछ सही लग रहा है मुझे, मुझे तो बिरयानी पसंद ही है, जो भी हो मुझे अच्छा ही लगता है। और डिटेल्स मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना कि कहाँ पे है ग्रीन हब। तो अभी तो बस फूड एंजॉय करते हैं। तो हमारा खाना भी हो गया, खाना बहुत अच्छा था, सीरियसली बहुत अच्छा था। अभी तो लगभग कितने बज रहे हैं, अभी तो 6:30 बज रहे हैं, अभी बहुत लोग भी आए हुए हैं, आज संडे है। तो अभी चलता हूँ घर, और बहुत घूम लिया, बहुत कुछ दिखा भी दिया आपको, आप भी आइए विजिट कीजिए, अच्छा ही है ऐसा मतलब ओपन प्लेस। तो अभी चलते हैं। मम्मी को कॉल किया था मैंने, और मम्मी बोल रही है मम्मी के लिए मोमोज ले जाने के लिए। तो मैं अभी आया मेलार मार्ट आया, और यहाँ पे देवी से ले जाऊँगा, देवी फास्ट फूड है ना, वहीं से मोमो ले जाऊँगा। भीड़ देखो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हमेशा रहता है। ये गरम गरम मोमो मम्मी के लिए अभी ले जा रहा हूँ, और चटनी। तो अभी मैं आ गया घर, और मम्मी के लिए जो मोमो लाया था ना, तो शानू भी बैठा है खाने के लिए, मम्मी भी बैठी है, और पापा भी अभी कॉल पे है, मम्मी पापा से बात कर रही थी, और यहाँ पे मोमोस खा रहे हैं। कैसा है, खाया भी, टेस्ट किया? ठीक है तुम लोग खा लो, मैं फ्रेश होके आ जाता हूँ। तो अभी तो लगभग रात के 12 बज रहे हैं, और मैं अभी वीडियो एडिटिंग करूँगा,
और मम्मी तो सो गई है आज जल्दी जल्दी, और शानू पढ़ाई कर रहा है। तो आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे लाइव ब्लॉग्स एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।